I am Swastika. And I, Harshit, wishing you all a very happy 75th Republic Day. As we celebrate this day, let us pledge to uphold the values and principles of our Constitution and work together building a stronger and more inclusive nation. Let us also remember the importance of our preserving and protecting rights and freedoms that the Constitution guarantees to us. पर लागू किया गया एक ऐसा संविधान जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। इसमें कुल 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, जिसमें से अभी तक 104 संशोधन किए गए हैं। इसे डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये हमारा अपना भारत का संविधान है, जिसकी 75वीं वर्षगांठ आज हम सभी मना रहे हैं। बिफोर वी प्रोसीड, जस्ट टेक अ लुक। अरे यार, मुझे तो पढ़ते नहीं मारता, इसमें लिखा क्या है? बट मेरा चश्मा नहीं मिला, मैं तोड़ के ला। ठीक है, किसी एक से समझ में नहीं आ रहा, एक को पढ़ते नहीं बनता और एक चश्मा ही नहीं मिल रहा। पता नहीं अभी किसकी चिट्ठी आ गई। ए भाई, सुनो तो हमारी चिट्ठी पढ़ के बता दो। अरे इसमें बहुत बुरी खबर लिखी है, मैं नहीं पढ़ के बता सकता। बुरी खबर? क्या बुरी खबर? कहीं हमारी अम्मा को तो कुछ ना होगा? मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे और इतने उदास दिख रहे हो? किसी की चिट्ठी आई है, इसमें तो कोई कहता है बुरी खबर लिखी है। बुरी खबर? अरे माँ, ये चिट्ठी तो नानी जी की तरफ से आई है। इसमें लिखा है कि नानी जी सकुशल है और उन्होंने हमारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। कैसे लोग हैं, हम बिना पढ़े वाले लोगों को कितना बुद्धू बनाते हैं। तो देखा आप सभी ने कि कैसे अशिक्षित लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अशिक्षित होने के कारण लोगों को किस तरीके से लोग परेशान करते हैं, इसीलिए और शिक्षा के रूप में उन्हें एक अच्छे स्कूल में भेजिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा स्कूल यानी इनोवेशन पब्लिक स्कूल कैसे आपके बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल है।
मैं आप सभी को अपने स्कूल की प्रार्थना के बारे में बताऊंगी। हम अपना दिन शुरू करने के साथ उसे अच्छे से बिताने के लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, फिर योगा प्राणायाम से कार्य करते हैं, जिससे हमारे मन के साथ हमारे तन भी स्वस्थ रहे, और करंट अफेयर जनरल नॉलेज कन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस करी जाती है, और फिर हमें समय समय पर गिफ्ट दिए जाते हैं। अब मैं आपको हमारे स्कूल के लेक्चर टीम के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हम चाहे हमारे लंच बॉक्स में पिज्जा, पास्ता, चाउमीन जैसे अनहेल्दी फूड्स लाकर अपनी सेहत को आराम से बिगाड़ सकते हैं, पर हमारे स्कूल में ये सारे अनहेल्दी फूड्स अलाउड नहीं है, और हमें टाइम के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फूड्स लाने को कहा जाता है। और हमारे स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने क्लास टीचर्स के साथ बैठकर लंच करते हैं, जिससे सभी का लंच खत्म होकर घर जाता है और खाने की वेस्टेज नहीं होती है। अब मैं आप सभी को हमारे स्कूल में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। हर एक विषय से संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कर दिया जाता है, जिससे हमें हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आता है और हमें पढ़ने में भी आसानी होती है।